आद्य महाकाली जयंती विशेष जाने महत्व कथा एवं पूजा विधि। 10 महाविद्या में प्रथम माँ महाकाली है। इनका जन्म मधु और केतव के नाश के लिए हुआ था। तांत्रिक मतानुसार अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन काली जयंती बताई गई है, परंतु श्रद्धालु जन जन्माष्टमी की रात को ही आद्य महाकाली जयंती मनाते हैं। मधु और केतव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर देवी जग जननी ने महाविद्या काली मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। महामाया भगवान श्री हरि के नेत्र, मुख, नासिका और बाहु आदि से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने आ जाती है। इसी शुभ दिवस को महाकाली जयंती के रूप में मनाया जाता है। महाकाली दुष्टों के सहार के लिए प्रकट होती है तथा दैत्यों का सहार करती है। महाकाली जयंती के अवसर पर महाकाली सतनाम धारा पाठ व हवन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। महाकाली माँ की उपासना करने से उनकी कृपा भक्तों पर सहज हो जाती है। माँ कृपालु है, इनकी शरण में आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता। महाकाली जयंती के अवसर पर कहीं कहीं सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाता है। महाकाली जयंती के अवसर पर श्री महाकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। भक्त महाकाली जयंती श्रद्धा के साथ मनाते हैं। सैकड़ों श्रद्धालु माँ के दरबार में माथा टेकते हैं। मंदिरों में यज्ञ एवं भंडारों का आयोजन किया जाता है। दस महाविद्याओं में सर्वप्रथम एवं समस्त देवताओं द्वारा पूजनीय भगवती महाकाली अनंत सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। क्यों तो इन्हें आद्या तथा साक्षात प्रकृति ही कहा जाता है, परंतु कालिका पुराण से जुड़ी एक कथा के अनुसार महामाया को ही माँ काली बताया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार हिमालय पर मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवों ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? उसी समय देवी के शरीर से काले पर्वत के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रकटय हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया, ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वह काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा।